तो आज देश और दुनिया में मनाई जा रही है ईद उल फितर, और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि देश में ईद उल फितर का जश्न लगातार हर ओर देखा जा रहा है और इस वक्त पूरा देश इस जश्न के माहौल में डूबा हुआ नजर आ रहा है। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 21 अप्रैल को भारत ने दिखाई दिया था चांद, तो देश में अलग अलग समय पढ़ी जाएगी नमाज, और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से पूरे कर लिए गए हैं, क्योंकि आज देश के अलग अलग जगहों पर नमाज अदा की जाएगी, और ऐसे में इसी के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम इस वजह से भी हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से त्योहारों के मौके पर कई सारे सवाल रहते हैं, ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैनाती जगह जगह पर पुलिस बलों की भी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। 21 अप्रैल को जिस तरीके से भारत में ईद का चांद नजर आया था, अब ऐसे में आज ईद उल फितर मनाया जा रहा है, जिसके तहत ही आज देश भर में कई अलग अलग जगहों पर नमाज अदा की जाएगी। तो त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, 3 अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और कल दिखा था ईद का चांद, उस दौरान की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि कैसे शहर शहर में जश्न की तैयारियां, मार्केट बिल्कुल गुलजार नजर आ रहे हैं, तो तीसरी तस्वीर आप देखेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह पर पुलिस बलों की तैयारी, आरएफ बलों की तैनाती की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए। सबसे पहले मैं रुक करूंगी पटना का, जरा ये बताइएगा अश्मित कि पटना में इस वक्त आप कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं, कैसे जश्न का माहौल नजर आ रहा है और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं? बिल्कुल, देखिए पाक पवित्र महीना, 1 महीने तक चलने वाला रमजान कल खत्म हुआ है और आज ईद की नमाज अदा की जानी है, और इसको लेकर के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हर साल ये परंपरा रही है कि यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में रोजेदार पहुँचते हैं और देखिए नमाज अदा करते हैं। और यही तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान से, जहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो है गांधी मैदान में जो रोजेदार है वो पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ बिहार सरकार में शामिल तमाम मंत्री और बड़े चेहरे शामिल होंगे। थोड़ी देर बाद नमाज अदा की जाएगी पटना का गांधी मैदान, जहां 40,000 की संख्या में रोजेदार इस वक्त आपको नजर आएंगे, और धीरे धीरे ये पूरा गांधी मैदान यहाँ पर भरेगा, इंतजाम किए गए हैं, हर तरफ जो है यहाँ पर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर होगी, यहाँ पर खुद आला अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे और एक एक चीजों को देखा जा रहा था। थोड़ी देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है नमाज जो है वो अदा किया जाएगा, इसको लेकर के तैयारी की गई थी, क्योंकि देखिए कड़ी धूप है और गर्मी भीषण है इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में, तो जो समय होते हैं ना उस समय को थोड़ा परिवर्तन किया गया और थोड़े पहले जो है वो नमाज अदा किया जाएगा, क्योंकि 25,000 से 30,000 लोग हर साल यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, और गांधी मैदान की जो बगल में सड़कें हैं वहाँ पर भी नमाज अदा की जाती थी, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। इस बार इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि कोई भी ऐसा जो रोजेदार है या फिर आप कह सकते हैं कि अंदर ही नमाज पढ़ने की पूरी तरह की तैयारी की गई है, और गांधी मैदान में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। सुरभि, ठीक है इसमें आप बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, भोपाल में इस वक्त कैसे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां है? बिल्कुल, ईद की नमाज इस वक्त ईदगाह में अदा की जा रही है, तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में जो अकीदतमंद हैं, जिन्होंने रोज़े रखे, रोज़ेदार जो थे, अब ईद की नमाज अदा यहाँ हुई है, और ये देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है सिलसिला, और भोपाल की अलग अलग मस्जिदों में 15-15 मिनट के फ़र्क से नमाज अदा की जाएगी। सबसे पहले सबसे बड़ी नमाज यहीं अदा की जा रही है, मैं तस्वीरें ज़रा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ, जहाँ तक सुरक्षा का आप जिक्र कर रहे थे, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, 3,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पूरे शहर में तैनात हैं, और जो ईदगाह के आसपास का इलाका है यहाँ पर भी पुरजोर तरीके से ड्रोन के जरिए भी नज़र रखी जा रही, निगरानी की जा रही है, और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, और
ये भाईचारे का, मोहब्बत का जो त्यौहार है, ये अमन से बीते, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हर साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ यहाँ आते थे, लेकिन इस बार शायद उनके दौरे हैं तो वो नहीं आएंगे, लेकिन जो शहर के नेता हैं दोनों पार्टियों के वहाँ पर एक तरह से मुस्लिम लोगों का अभिनंदन करेंगे नमाज के बाद। तो नमाज अभी पूरी हो गई और उस नमाज के बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसको अदा किया जा रहा है। जी ठीक है, आप भी बने रहिएगा हमारे पास। अब मनोज, आपका रुख करना चाहूंगी, जरा तस्वीरें रांची की भी दिखाइएगा कि क्या वहां भी नमाज अदा हो चुकी है, व्यवस्थाएं कैसी हैं। देखिए, रांची में ईद को लेकर के लोगों में उत्साह है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जहां तक नमाज की बात है तो अभी मैं रांची के मेन रोड में इकरा मस्जिद में खड़ा हूं, जहां थोड़ी देर में नमाज अदा की जानी है। आप देख सकते हैं कि यहां मुस्लिम धर्मावलंबी जुटने लगे हैं, 29 रोजे रखने के बाद लोग आज नमाज, पहली नमाज यहाँ अदा की जाएगी। इसके बाद मुख्य जगहों में डोरंडा और ईदगाह मस्जिद में भी नमाज अदा की जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, रैप के जवानों को लगाया गया है, मौके पर खुद पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुँच करके इंतजाम देख रहे हैं, गंगा नियंत्रण वाहन को भी लगाया गया है, यानी सुरक्षा के पूरे इंतजाम पूरे शहर में होंगे। और इकरा मस्जिद में पहली नमाज अदा होने के बाद से डोरंडा और ईदगाह मैदान में 9 और 9:30 बजे मुख्य कार्यक्रम होता है, जहां बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं। यानी रांची के अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समयों पर नमाज अदा की जाएगी और लोग ईद की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, अमन चैन कायम रहे, शांति भाईचारा कायम रहे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और नमाज अब थोड़ी देर में यहाँ शुरू होने वाली है। ठीक है मनोज, अखिलेश और अस्मित, आप तीनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो एक बार फिर से भारत 24 की पूरी टीम की तरफ से भी आप सभी को ईद मुबारक। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं जामा मस्जिद की। तो फिलहाल जो नमाजी इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं उनकी संख्या आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये ईद मुबारकबाद देने के साथ में जो नमाज अदा की जा रही है, ये उस दौरान की तस्वीरें जामा मस्जिद दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भारी संख्या में नमाजी इस वक्त अदाकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं, और ऐसे में ये जो तस्वीरें इस वक्त आप जामा मस्जिद से देख रहे हैं, इसी तरीके की तस्वीरें हर साल यहाँ पर दिखाई देती हैं जब नमाज अदा करने के लिए नमाजी यहाँ पहुँचते हैं।